I mean, I'm not part of the rat race, but I do feel the pressure. You know, I'm married and my husband lives in San Francisco. And mujhe bahut hi dar hota hai ki I must come and spend at least 4 or 5 months in Pakistan so I don't let go of this, which gives me so much joy and a sense of identity. Absolutely. But you can't have a global life. It's not so easy. Yeah, it's not. It's not easy. It takes a toll on you. At you all. Know? Yeah. Bilkul. Absolutely. Aur aap aur Fahad, mashallah, wo bhi ek tarah ke artist hi hain kyunki wo surgeon hain. Aur aap hi artist hain. आप दोनों को मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, आपको मैं मिलती भी हूँ. यू आर अ वेरी मॉडर्न कपल एंड आई थिंक यू इंसिस्ट ऑन बीइंग अ मॉडर्न कपल. ये आप पहले से आपका इरादा था या आप जब मिले आपकी इवोल्यूशन साथ हुई है? आई थिंक वी ऑलवेज यू नो व्हेन वी मेट अगेन एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड वी ऑलवेज थॉट दैट एज इंडिविजुअल्स हमें साथ, मतलब साथ तो बड़ा होना है लेकिन इंडिविजुअली भी बड़ा होना है. तो उसके लिए हमें एक दूसरे को इनकरेज करना और एक्सेप्ट करना और इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. सो वी हेल्प ईच अदर इवॉल्व एंड आई थिंक अ कपल ओनली नीड्स दैट. प्यार होता है, कंपेनियनशिप भी होती है लेकिन जब तक आप एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली रोज इनकरेज नहीं करेंगे तो वो आपको एक जो स्ट्रेंथ और बैकबोन का एहसास होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, आई नो आई हैव माई ग्राउंड, माई रॉक इज दिस पर्सन. जी, वो नहीं मिलता. और ये बहुत ज़रूरी है. और मैं सबसे हमेशा कहती हूँ कि यू नो हम सोचते हैं कि वो हमारी कम्युनिटी में लड़का आस्क आउट करेगा, लड़का प्रपोज करेगा, लड़का तारीफ करेगा, लड़का यू नो खाने पर ले जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. लड़कियों को भी करना चाहिए. और आप यकीन करें, इट्स माय सिक्स्थ ईयर इन माय मैरिज और आई थिंक शुरू में मुझे बहुत अच्छे एडवाइजेस मिले. अच्छा. खाला सास से, अपनी खाला से, अपनी माँ से, तो वो लेके ना उसी वक्त अपने ना गिरेबान से जरूर बात लेना. मुझे भी दें एडवाइस. वन वाज वेरी नाइस. वन वाज के दिन का एक मील जरूर खाना है साथ. ठीक है. चाहे जिंदगी बहुत बिजी हो, नाश्ता हो, शाम की चाय हो या रात का खाना हो, एक मील जरूर खाना है साथ ताकि यू कैन वेंट आउट. यू नो इट्स जस्ट सच अ जॉयस. फूड इज अ लव लैंग्वेज आल्सो. इट्स अ लव लैंग्वेज. सो यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड यू आर डूइंग दैट. ऑल्सो एक और है जो मैं, आई डोंट नो इफ आई कैन से इट ऑन नेशनल टेलीविजन, बट यू नो पीपल आर मैरिड एंड दे शुड स्टे हैप्पी. अनदर माई वेरी गुड फ्रेंड सनम सईद mother ji parveen auntie a doll and she's helped me with so many things. Yeah, she said to me ki you know jab aap sote hain na raat ko to galti se ya bahane se na ek bas kuch touch kar liya karo. Achha. Haath ya body ka koi, you know, ya pair or something, so you know that you're connected, your partner is right there with you. And you know jaise kabhi kabhi hota hai aap ladke सो जाते हैं मुंह इधर करके और वो उधर करके, तो ना मैं रात को किसी बहाने से कि मुझे चादर ठीक करनी है तो मैं हाथ डाल देती. ये तो हमारे ड्रामों में भी है ये जो अदायगी है एक किस्म की. आई थिंक आपको एज अ कंपेनियन एक दूसरे को समझना, अप्रिशिएट करना और एफर्ट करना, दैट्स अ डेली बेसिस जॉब. आई टोटली एग्री. सो ऐसा नहीं है कि शादी के अभी एक साल है, अभी तो नए दिन है तो सब चल रहा है. नहीं, शादी के आप 6 साल बाद भी नए दिन वाली फीलिंग रख सकती हैं बिकॉज आप उसके लिए एफर्ट करें, आप उसकी तारीफ करें, आप उसके लिए पानी एक्स्ट्रा डाल के दें. अच्छा, पानी एक्स्ट्रा. हाँ, रात को पानी रखें उसके साथ ग्लास. ओके. सोते वक्त आप अपने पास भी रखें थोड़े लाड. अगर ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो क्या करें, क्योंकि हमारे घर में भी ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल नहीं है. नहीं है तो आप खरीदें. नहीं, ना भी खरीदें. आई एम ऑल फॉर रिसाइकलिंग. अच्छा, तो गमला उल्टा करके उसके ऊपर रख दें, जमीन पे रख दें, ढक दें. मगर दीज लिटिल थिंग्स दैट रैप द बॉय अराउंड योर फिंगर, दिस इज हाउ इट हैपेंस. आई सी. लाड उठाने जरूरी. एक लड़की, आप बीवी हो के लाड नहीं उठाएंगे तो फिर तो लाइन लगी हुई. सो यू रादर उठाओ द लाड देन एनीबॉडी एल्स, यू नो. सही. और मुझे बताएं, व्हाट आर सम अट्रैक्टिव क्वालिटीज इन अ मैन दैट यू रियली, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? आई थिंक नॉट टू पिक अ फाइट व्हेन द गर्ल इज एंग्री. Ooh, only when the girl is angry. Well, when the girl is angry, you should know that the girl is upset about something and is emotionally hurt or something. I think Fahad does that a bit. Okay. And or rather, he started doing that because he knows I go nuts. And the best way to give in is just say, yes, baby, I understand. ठीक. So I think, because उससे क्या होता है कि एक बंदा, चाहे वो बंदा गुस्से में हो, जी, तो वो थोड़ा
कंट्रोल कर लें, औरत गुस्से में हो तो बंदा कंट्रोल कर ले, उससे क्या होता है थोड़ी देर बाद मैं खुद ही हंसने लग जाती हूँ। हाँ, ये मैंने बिल्कुल देखा है कि अगर मैं अपने आप को रिस्ट्रेन कर लूँ ना, हाँ, तो आधे घंटे के बाद बहुत हालात मुश्किलें होते हैं। Exactly. जब वरना इफ यू बोथ आर बिकरिंग एंड बोथ आर फाइस्टी एंड, तो वो बढ़ते 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 वो जो असल जिसके लिए शुरू हुई थी आर्ग्यूमेंट वो कहीं दूर रह जाती है और चीजें सामने आ जाती है। सो आई थिंक दैट्स नॉट नाइस। व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर टू डेट जो आपने किया आज तक? सारा इन चुड़ैल्स, अनडाउटेडली। हाउ डिड इट चेंज यू? हाउ डिड चुड़ैल्स चेंज यू? आई थिंक आई वॉज अ वेरी चुड़ैल लाइक पर्सन माई सेल्फ। मैंने हमेशा औरतों को साथ लेके इकट्ठा चलने की कोशिश की है, चाहे वो औरतें मैं उनको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। आई ट्रैवल्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी डेज टू सेव मनी ऑन माई आर्ट मटीरियल, तो मैं बसों में भी सफ़र करती थी, मैं रोड पे भी चल के जाती थी, बस का किराया नहीं होता था तो वो भी बचा लेती थी, मतलब मैं हर किस्म के रिक्शे में भी बैठी हूँ, टैक्सी में भी बैठी हूँ, बसों में भी बैठी हूँ। तो ऐसे टाइम पे जब आप रोड के इस पार होते हैं तो आपको ज़िंदगी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख जो है, साइड जो है वो नज़र आती है, और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि औरत जो है वो तो रोड पे भी सेफ नहीं है, वो बाइक पे भी सेफ नहीं है, वो बस में भी बैठी सेफ नहीं है, रिक्शे में भी सेफ नहीं है, अपने घर में भी सेफ नहीं है, कहीं सेफ नहीं है। सो देन यू रियलाइज दैट यू नो दैट वुमन नीड्स मी, वेदर आई नो हर और नॉट, शी इज सो वनरेबल, आई एम नॉट, आई एम ब्लेस्ड, बट आई नो कि मैंने बसों में औरतों को जिन लोगों ने छेड़ा है उनकी भी पिटाइयाँ लगवाई हैं, अच्छा चमाटे भी मारे हैं, तो मैं एक फुल एक चुड़ैल थी हमेशा से, यू नो। बट चुड़ैल ने मुझे ये सिखाया कि आपने ओनरशिप लेनी है अपनी प्रॉब्लम्स की। हम क्या करते हैं मीरा, दैट हम सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, हम दो दिन क्रिप करेंगे बंद दरवाज़ों के पीछे, ड्राइंग रूम्स में डिस्कस करेंगे, दोस्तों से बातें कर लेंगे, लेकिन बस फिर उसके बाद हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। हम वेंट करके फिर बस, हाँ मतलब हमारा काम हो गया, इस बार जनरेटर ने बिजली नहीं ले पाई, अगले साल हम बड़ा जनरेटर ले लेंगे, पानी नहीं आया लाइनों में, हम टैंकर मंगवा लेंगे। सो हम कंप्लेसेंट हो गए, हम बहुत ही लेजी हैं एज अ जनरेशन। आई थिंक सरवत कुछ लोग तो डरे भी हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लेजीनेस तो है ही है ना, वो तो हर इंसान में होती है, लेकिन मैंने देखा जब ये रेनफॉल आई, आप बिल्कुल यू वर एट द फोरफ्रंट, एंड सो वाज फ्रीहा एंड योर हस्बैंड, और मैंने आप सबको देखा और फॉलो किया, और उधर कुछ लोगों ने प्लैकार्ड्स उठाए हुए थे और उन पर लिखा हुआ था कि हम एपोलिटिकल हैं। मेरे नज़दीक कोई चीज़ और कोई इंसान एपोलिटिकल नहीं होता, क्योंकि ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। yes. जिस तरह मैं बात करती हूँ वो भी एक पॉलिटिकल एक अंदाज है, उसमें एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो व्हाट इज एपोलिटिकल? इट्स बीइंग लेजी एंड स्केयर्ड, या दैट्स द सेफ जोन ना। उन्होंने एक शील्ड बना ली अपनी और कहा कि जब तक मेरे घर में पानी नहीं आएगा, जब तक मेरे बैकयार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं एपॉलिटिकल हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे घर पे प्रॉब्लम होगी तो मैं पॉलिटिकल हो जाऊँगी। सो इट्स अ वेरी लाइक आई से कि अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड पॉलिटिक्स एज अ बुफे और रिलीजन फॉर दैट मैटर एज अ बुफे। आएंगे वही पिक एंड चूज करेंगे जो उनको कम्फर्ट देता है या उनके लिए आसानी पैदा करता है, जो बाकी एक्चुअल चीज़ें होंगी उनको वो छोड़ के अपनी प्लेट भर के चले जाएंगे। सो इट्स अ वेरी आई फील इट्स एन एक्सक्यूज दैट वी आर गिविंग टू आवरसेल्व्स कि हम बाहर भी निकल रहे हैं लेकिन हम करेक्ट भी होना चाह रहे हैं, हम अपनी नेक भी स्टिक आउट करना चाह रहे हैं लेकिन जैसी कोई चीज़ आए हम वापस भी अंदर चले जाएंगे। सो आई फील दैट देखें आज मैं इसलिए निकल रही हूँ क्योंकि मेरा ठीक है थोड़ा बहुत नुकसान हुआ जो हर साल होता है, और बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो हर साल बढ़ता रहेगा, बिल्कुल राइट। लेकिन इस साल जो हमने जिस तरह के केसेस देखे मीरा, बुखारी वाज लाइक इट वाज डीप इन वाटर वेयर अ फ्यू बेबीज डाइड बिकॉज दे वर इन द बेसमेंट, कुछ ज़ईफ लोगों को मेडिकल एड नहीं मिल सका, वो व्हील चेयर पे थे उनकी इंतकाल हो गई, लोगों के करोड़ों के बिजनेसेस डूब गए, बट कोई नहीं बाहर आया, बट हम गए उन सारे लोगों के लिए कि शायद उनको भी एहसास हो, लेकिन एहसास वही अगेन
बातें सुनाने में, फिंगर पॉइंट करने में है सबका एहसास। हम अपनी कोशिश पूरी जारी रख रहे हैं कि जितना हम लोगों को इकट्ठा करके, बिकॉज हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मांग रहे, हम अपनी बहुत बेसिक नेसेसिटीज मांग रहे हैं, बिजली, पानी, साफ सड़कें, बेशक रोड्स, यू नो, कचरा जगह पे फेंका जाए एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई मीन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ मेरा अल्लाह खड़ा है, मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी है। अगर इसी तरह जाना है तो हम इस तरह चले जाएंगे, ठीक, जाना तो है एक दिन।